आईपीएल 2024 में अभी तक 60 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 60 मुकाबले की समाप्ति के बाद अब प्लेऑफ की रेस बेहद ही रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसलिए आज यहां हम आपको करंट पॉइंट टेबल और बचे हुए मैच के आधार पर ये बताने आए हैं कि अब यहां से किस टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कितनी और जीत चाहिए। अब जो 60 मैच की समाप्ति के बाद पॉइंट टेबल जारी किया गया है, उस पॉइंट टेबल में अभी भी केकेआर की टीम 18 अंक लेकर नंबर 1 स्थान पर बनी हुई है और केकेआर की टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। वहीं इस पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल्स की टीम दूसरे स्थान पर है और राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट टेबल में अभी 16 अंक हैं। राजस्थान के पास अभी भी 3 मुकाबले बचे हुए हैं और उसका रन रेट भी प्लस में है, इसलिए यहां से राजस्थान रॉयल्स की टीम लगभग प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। वहीं इस पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद की टीम है। सनराइजर हैदराबाद के पास अभी 14 अंक हैं और सनराइजर हैदराबाद का 2 मुकाबला अभी भी बचा हुआ है। अगर सनराइजर हैदराबाद की टीम एक भी मुकाबला जीत लेती है तो उसका प्लेऑफ खेलना तय है और सनराइजर हैदराबाद को अपने बचे हुए 2 मुकाबले में से एक मुकाबला 16 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ तो लीग चैंपियन का अपना आखिरी मुकाबला 19 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलना है। सनराइजर हैदराबाद की टीम अभी जिस प्रचंड फॉर्म में है उसे देखकर ऐसा लगता है कि सनराइजर हैदराबाद की टीम इन दोनों टीमों को हराकर प्लेऑफ में आसानी से पहुंच जाएगी। लेकिन सनराइजर हैदराबाद की टीम दोनों मैच में से कम एक भी मैच जीत लेती है तो वह अपने रन रेट के आधार पर भी आसानी से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अब इस पॉइंट टेबल में जो चौथे स्थान पर टीम है वह है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अभी तक 12 मुकाबला खेली है और पॉइंट टेबल में चेन्नई के पास अभी 12 अंक है। हालांकि इसका रन रेट बेहतर है, इसलिए यह टीम दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट से ऊपर है। अभी भी चेन्नई को 2 मुकाबले खेलने हैं जिसमें एक मुकाबले में चेन्नई को राजस्थान रॉयल से 12 मई को भिड़ना है तो वहीं इस टूर्नामेंट के लीग चैन का अपना आखिरी मुकाबला खेलने चेन्नई की टीम आरसीबी के खिलाफ 18 मई को उतरेगी। चेन्नई के सामने एक मजबूत चुनौती राजस्थान रॉयल्स की होगी। अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम को चेन्नई हरा देती है तो फिर आरसीबी को हरा कर चेन्नई की टीम आसानी से प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लेकिन यहां से चेन्नई की टीम अपने बचे हुए 2 मुकाबले में से एक मुकाबला भी हार जाती है तो फिर इसे दूसरे टीम के परिणाम का इंतजार करना पड़ेगा। वहीं इस पॉइंट टेबल में दिल्ली कैपिटल की टीम है और दिल्ली कैपिटल की टीम अभी भी प्लेऑफ में पहुंच सकती है क्योंकि दिल्ली कैपिटल का अभी भी 2 मुकाबला बचा हुआ है और पॉइंट टेबल में दिल्ली के पास भी 12 अंक है। हालांकि दिल्ली को अपने रन रेट को भी बेहतर करना होगा, इसलिए यहां से दिल्ली के पास एक मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बहुत कम है। यहां से दिल्ली कैपिटल की टीम अपने बचे हुए 2 मुकाबले जीत ले तभी दिल्ली कैपिटल की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है, इसलिए यहां से दिल्ली कैपिटल को अपने बचे हुए 2 मुकाबले जीतने होंगे तभी दिल्ली कैपिटल की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। दिल्ली कैपिटल को आज एक मैच में आरसीबी के खिलाफ उतरना है तो वहीं इस टूर्नामेंट के लीग चैन के अपने आखिरी मुकाबले में 14 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उतरने हैं और दोनों टीम को हर हाल में हराना होगा। वहीं इस पॉइंट टेबल में लखनऊ की टीम अभी 6 स्थान पर है और लखनऊ के पास भी प्लेऑफ में जाने का एक शानदार मौका है, लेकिन लखनऊ के जो बचे हुए 2 मुकाबले हैं दोनों मुकाबले लखनऊ को जीतने होंगे क्योंकि लखनऊ का रन रेट दिल्ली से भी नीचे है, इसलिए दोनों मुकाबले बेहतर रन अंतर से जीतकर लखनऊ की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लखनऊ को एक मैच में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ उतरना है तो एक मैच में 17 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ उतरना है। वहीं अभी 7वें स्थान पर आरसीबी और 8वें स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम है। दोनों के पास अभी पॉइंट टेबल में 10-10 अंक हैं, लेकिन दोनों टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। आरसीबी के पास अभी 10 अंक हैं और आरसीबी के 2 मुकाबले बचे हुए हैं। वही स्थिति गुजरात टाइटंस का है, लेकिन दोनों टीमों को न सिर्फ अपने बचे हुए 2 मुकाबले जीतने होंगे बल्कि दोनों टीम को यह भी दुआ करनी होगी कि सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कम से कम अपना एक एक मुकाबला हार जाए, तभी ये दोनों टीमें अपने बचे हुए 2 मुकाबले जीतकर प्लेऑफ में पहुंच सकती है।